5G సేవలు ప్రారంభించిన అనంతరం ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. पॉलिसी सपोर्ट दिया, इससे डेटा की कीमत में भारी कमी आई और देश में डेटा क्रांति का जन्म हुआ. देखते ही देखते ये तीनों फैक्टर, डिवाइस की कीमत, डिजिटल कनेक्टिविटी और डेटा की कीमत, इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट हर तरफ नजर आने लगा. लेकिन साथियों, इन सब के साथ एक और महत्वपूर्ण काम हुआ. देश में डिजिटल फर्स्ट की सोच विकसित हुई. एक वक्त था जब बड़े बड़े विद्वान, एलिट क्लास, उसके कुछ मुट्ठी भर लोग सदन के कुछ भाषण देख लेना, कैसे कैसे भाषण हमारे नेता लोग करते हैं, वे मजाक उड़ाते थे. उनको लगता था कि गरीब लोगों में क्षमता ही नहीं है, ये डिजिटल समझ ही नहीं सकते, संदेह करते थे. उन्हें शक था कि गरीब लोग डिजिटल का मतलब भी नहीं समझ पाएंगे. लेकिन मुझे देश के सामान्य मानवी की समझ पर, उसके विवेक पर, उसके जिज्ञासु मन पर हमेशा भरोसा रहा. मैंने देखा है कि भारत का गरीब से गरीब व्यक्ति भी नई तकनीकों को अपनाने में आगे रहता है. और मैं एक छोटा अनुभव बताता हूं. शायद ये 2007-08 का कालखंड होगा या 9-10 का, मुझे याद नहीं है. मैं गुजरात में मुख्यमंत्री रहा, लेकिन एक क्षेत्र ऐसा था जहां मैं कभी गया नहीं था और बहुत ही ट्राइबल इलाके में, बहुत ही पिछड़ा. मैं, हमारे सरकार के अधिकारियों ने भी मुझे एक बार वहां कार्यक्रम करना ही करना है, मुझे जाना है. तो वो जिला का ऐसा था, कोई कोई बड़ा प्रोजेक्ट की संभावना नहीं थी, फॉरेस्ट लैंड थी, कोई संभावना हो रही थी. तो आखिर में एक चिलिंग सेंटर, दूध का चिलिंग सेंटर, वो भी 25 लाख रुपये का. मैंने कहा भले वो 25 लाख का होगा, 25,000 का होगा, मैं खुद उद्घाटन करूंगा. अब लोगों को लगता है ना भाई, चीफ मिनिस्टर को इससे नीचे तो करना नहीं चाहिए. नहीं, मुझे ऐसा कुछ होता नहीं है. तो मैं उस गांव में गया. अच्छा, वहां हमें एक पब्लिक मीटिंग करने के लिए भी जगह नहीं थी, तो वहां से 4 किलोमीटर दूर एक स्कूल का छोटा सा मैदान था, वहां पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज की. लेकिन जब वो चिलिंग सेंटर पर गया मैं, तो आदिवासी माताएं बहने दूध भरने के लिए कतार में खड़ी थी. तो दूध का अपना बर्तन नीचे रख करके जब हम लोग गए और उसकी उद्घाटन की विधि कर रहे थे, तो मोबाइल से फोटो ले रही थी. मैं हैरान था, इतने दूर दरार के क्षेत्र में मोबाइल से फोटो ले रही है. तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा फोटो लेके क्या करोगी? तो बोली डाउनलोड करेंगे. ये शब्द सुनकर के मैं सचमुच में सरप्राइज हुआ था मुझे कि ये ताकत है हमारे देश के गांव में. आदिवासी क्षेत्र की गरीब माताएं बहने जो दूध भरने आई थी, वो मोबाइल फोन से अपनी फोटो ले रही थी और उनको ये मालूम था कि इसमें तो नहीं, आप डाउनलोड करवा देंगे. और डाउनलोड शब्द उनसे मुंह से निकलना, ये उनकी समझ शक्ति और नई चीजों को स्वीकारने के स्वभाव का परिचय देती है. मैं कल गुजरात में था, तो मैं अंबाजी तीर्थ क्षेत्र पे जा रहा था. तो रास्ते में छोटे छोटे गांव थे, आधे से अधिक लोग ऐसे होंगे जो मोबाइल से वीडियो उतार रहे थे, आधे से अधिक. यानी हमारे देश की ये जो ताकत है, इस ताकत को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं. और सिर्फ देश के इलीट क्लास के कुछ लोगों को ही हमारे गरीब भाई बहनों पर यकीन नहीं था. आखिरकार हम डिजिटल फर्स्ट के अप्रोच के साथ आगे बढ़ने में कामयाब हुए. सरकार ने खुद आगे बढ़कर डिजिटल पेमेंट्स का रास्ता आसान बनाया. सरकार ने खुद ऐप के जरिए सिटीजन सेंट्रिक डिलीवरी सर्विस को बढ़ावा दिया है.
बात चाहे किसानों की हो या छोटे दुकानदारों की, हमने उन्हें ऐप के जरिए रोज की जरूरतें पूरी करने का रास्ता दिया। इसका नतीजा आज आप देख सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी सही मायने में डेमोक्रेटिक हो गई है, लोकतांत्रिक हो गई है। आपने भी देखा है कि डिजिटल फर्स्ट की हमारी अप्रोच ने कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में देश के लोगों की कितनी मदद की। दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश जब अपने नागरिकों की मदद करने में संघर्ष कर रहे थे, खजाने में रुपये पड़े थे, डॉलर थे, पाउंड थे, सब था, यूरो था, लेकिन और देने का तय भी किया था लेकिन पहुंचाने का रास्ता नहीं था। भारत एक क्लिक पर हजारों करोड़ रुपये मेरे देश के नागरिकों के खाते में ट्रांसफर कर रहा है। ये डिजिटल इंडिया की ही ताकत थी कि जब दुनिया थमी हुई थी तो भी हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। अस्पतालों के सामने असाधारण चुनौती थी लेकिन डॉक्टर्स अपने मरीजों का इलाज टेली मेडिसिन के जरिए भी कर रहे थे। ऑफिसेज बंद थे लेकिन वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। आज हमारे छोटे व्यापारी हो, छोटे उद्यमी हो, लोकल कलाकार हो, कारीगर हो, डिजिटल इंडिया ने सबको मंच दिया है, बाजार दिया है। आज आप किसी लोकल मार्केट में, आप सब्जी मंडी में जाकर देखिए, रेहड़ी पटरी वाला छोटा दुकानदार भी आपसे कहेगा कैश नहीं है, यूपीआई कर दीजिए। मैंने तो बीच में एक वीडियो देखा, कोई भिक्षुक भी डिजिटली पेमेंट लेता है। ट्रांसपेरेंसी देखिए। ये बदलाव बताता है कि जब सुविधा सुलभ होती है तो सोच किस तरह सशक्त हो जाती है। साथियों, आज टेलीकॉम सेक्टर में जो क्रांति देश देख रहा है वो इस बात का सबूत है कि अगर सरकार सही नीयत से काम करे तो नागरिकों की नीयत बदलने में देर नहीं लगती है। 2G की नीयत और 5G की नीयत में यही फर्क है। देर आए दुरुस्त आए। भारत आज दुनिया के उन देशों में है जहां डेटा इतना सस्ता है। पहले 1 GB डेटा की कीमत जहां 300 रुपये के करीब होती थी, वहीं आज 1 GB डेटा का खर्च केवल 10 रुपये तक आ गया है। आज भारत में महीने भर में एक व्यक्ति मोबाइल पर करीब एवरेज 14 GB डेटा इस्तेमाल कर रहा है। 2014 में इस 14 GB डेटा की कीमत होती थी करीब 4,200 रुपये प्रति महीना, 4,200 रुपया। आज इतना ही डेटा 125 रुपये या ज्यादा से ज्यादा 150 रुपये, 125 या 150 रुपये में मिल जाता है। यानी आज गरीब के मध्यम वर्ग के मोबाइल डेटा के करीब 4,000 रुपये हर महीने बच रहा है उसके जेब में। हमारी सरकार के इतने सारे प्रयासों से भारत में डेटा कीमत बहुत कम बनी हुई है।
ये बात अलग है। 4,000 रुपया बचना कोई छोटी बात नहीं हर महीना, लेकिन जब मैं बता रहा हूं तब आपको ध्यान में आया, क्योंकि हमने इसका हो हल्ला नहीं किया, विज्ञापन नहीं दिए, झूठे झूठे बड़े गपगोले नहीं चलाए, हमने फोकस किया कि देश के लोगों की सहूलियत बढ़े, ईज ऑफ लिविंग बढ़े। साथियों, अक्सर ये कहा जाता है कि भारत पहली 3 औद्योगिक क्रांतियों का लाभ नहीं उठा पाया, लेकिन मेरा विश्वास है कि भारत न सिर्फ 4थी औद्योगिक क्रांति का पूरा लाभ उठाएगा बल्कि उसका नेतृत्व भी करेगा। और विद्वान लोग तो कहने लगे हैं कि भारत का दशक नहीं, ये भारत की शताब्दी है, ये डेकेड नहीं सेंचुरी है। भारत ने किस तरह 4G आने के बाद टेक्नोलॉजी की दुनिया में ऊंचाई छलांग लगाई है, इसके हम सभी साक्षी हैं। भारत के नागरिकों को जब टेक्नोलॉजी के समान अवसर मिल जाते हैं तो दुनिया में उन्हें कोई पछाड़ नहीं सकता। इसलिए आज जब भारत में 5G का लॉन्च हो रहा है तो मैं बहुत विश्वास से भरा हुआ हूं। दोस्तों, मैं दूर का देख पा रहा हूं